हेलो, मैं श्योर हूँ कि आप मेरी बात से जरूर रिलेट करेंगे। सेमेस्टर के स्टार्ट में आप सब काफी एक्साइटेड रहे हैं और उसी जोश में आप टाइम टेबल भी बना देते हो, ये सोचकर कि आप इस सेमेस्टर में धूम मचाएंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद अलग अलग कारणों के वजह से आप टारगेट भूल गए और आप ऐसी चीज करने लगे जिसका टाइम टेबल से कोई संबंध नहीं है। ये थोड़ा अजीब है ना, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ऐसे मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैंने कुछ टिप्स को अपनाकर खुद को फोकस किया। ये टिप्स ना सिर्फ आपको टाइम टेबल बनाने में बल्कि उसे यूज करने में भी हेल्प करेगा। क्या आप उन 5 मैजिकल टिप्स को जानने के लिए एक्साइटेड हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, खुद को मोटिवेट करें और टाइम टेबल को फॉलो करें। टाइम टेबल को फॉलो करते समय सबसे बड़ी कठिनाई कमिटमेंट की आती है, इसलिए खुद को शुरू में ही मोटिवेट करें और उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जिससे पढ़ने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। टिप नंबर 2, एक समय में एक ही चीज पर फोकस करें। टाइम टेबल बनाने का ये फायदा है कि आपको एक साथ कई सारी चीजें ना करनी पड़े, इसलिए मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय पर एक ही चीज पर फोकस करें, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर बार बार स्विच करने से आपकी प्रोडक्टिविटी में 40% तक की कमी आ जाती है। इसीलिए अपनी प्रायोरिटीज का पता लगाएं और उन पर काम करें ताकि आप अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन पर काम कर पाए। टिप नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे या अलग रूम में रख दे, जिससे नोटिफिकेशन पॉपअप आने पर भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। अगर आप कंप्यूटर पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उसका यूज ना करें। टिप नंबर 4, टिकट ऑफ। ये टिप आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन टाइम टेबल की एक प्रिंट ले ले और अपने काम को पूरा करने के बाद उस पर टिक करे, जिससे आपको बचे हुए काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। टिप नंबर 5, टेक ब्रेक्स, यानी प्रॉपर ब्रेक्स ले। कभी कभी किसी काम को पूरा करने में अधिक समय लग सकता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसलिए फोकस और कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए हर काम के बाद 10 या 15 मिनट का ब्रेक अवश्य लीजिए। तो ये थे वो टिप्स, इन्हें अपनी लाइफ में शामिल करें और अपने टाइम टेबल को फॉलो करने की आदत डालें। याद रखें, अगर आपने टाइम टेबल बनाया नहीं है तो उसे फॉलो कैसे करेंगे? तो इसलिए सबसे पहले आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।